महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के वडाला में पुलिस कस्टडी में एक 26 वर्षीय युवक की मौत पर मुंबई में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 26 साल के युवक विजय सिंह को एक मामले में पूछताछ के लिए पुलिस वडाला ट्रक टर्मिनस थाने में रखा गया था और इस दौरान विजय सिंह की मौत हो गई। सायन इलाके का निवासी विजय सिंह एक दवा कंपनी में MR के रूप में काम करता था। बताया जा रहा है कि विजय अपने दो कजन भाइयों के साथ रविवार को अपने मंगेतर से मिलने जा रहा था। एक अंधेरे वाले रास्ते से गुजरने के दौरान दो कपल वहां बैठे थे जिन पर बाइक की लाइट पड़ गई और इस बात को लेकर विवाद हो गया और मौके पर पुलिस भी पहुँच गई। जो वहाँ कपल बैठे थे उनमें से एक लड़की ने विजय और उनके दोनों कजन भाइयों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इसी मामले में पुलिस पूछताछ के लिए विजय को थाने लेकर गई थी। परिवार के अनुसार उसे पानी नहीं पीने दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस के अनुसार विजय सिंह सीने में दर्द की शिकायत की थी जिसके बाद उसे रिहा किया गया था मगर थाने के दरवाजे पर ही गिर गया। विजय सिंह की मौत पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मृतक के परिवार के सदस्यों और दोस्तों का कहना है कि पुलिस हिरासत में उसकी पीट पीट कर हत्या की गई है। घटना की जांच के बाद पुलिस निरीक्षक, उप पुलिस निरीक्षक और 3 कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। तख्तियाँ और बैनर लेकर पुलिस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया है देखिए। मेरे बेटे को अंदर लेके ये लोग बुला के रोड पे पेट्रोल भराने के लिए आया था और दोनों लड़की और लड़का अपना फ्रेंड दोनों बैठे थे और उसका गाड़ी का फोकस उसके गया चेहरे पे, लोग देख लिए। इसके बाद वो गाली देने लगा, मेरा बेटा एक हाथ मार दिया कि क्यों बेफोकट का गाली दे रहा है। इसके बाद एक लड़का आया उसका दोस्त, हेलमेट उसका पकड़ा तो हेलमेट से उसके फ्रेंड को मारा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा बेटे को पकड़ के लोग मारते ही लेके गए। उसका नया कपड़ा पहना था, बेल्ट निकाल के पता नहीं उसका बेल्ट से खींच गई अंदर में, मुझे बाहर निकाले। कुल मद्रासी लोग जितने थे, मैं बोली भैया माफी चाहती हूँ जो गलती मेरा लड़का के। क्या बोले कि तुम्हारा लड़का रेप किया, मेरा लड़का
19 तारीख को मेरे लड़के का सगाई था। मैं अपना लड़का मेरा लड़का टैटू बनवाया था 1600 का अपने औरत का नाम से। दिन रात मेरा लड़का अपने औरत को चाहता था। आप लोग ही बताओ मेरा लड़का ऐसा कर सकता है? किसी के साथ फ्रेंड था तो भी कौन ऐसा है बोलो? ये लोग मार के बोले कि मारे नहीं तो तुम। मैं गई बोला सीना दर्द कर रहा है रे मम्मी, थोड़ा मम्मी को दिखा दे। मैं गई अपने बेटे के लिए, इतना जाड़ा ऐसा था लंबा सा, उसको मैं पहचानूंगी। वो बोला हट रे इतना तेज मुझे बोला, बोले नखड़ा किया है। मैं बोली मेरा बेटा नखड़ा नहीं करेगा, ऐसा बॉडी लेके वो नखड़ा करेगा। अरे इसके बाद मैं बाहर निकाल, वो लोग दूसरा पुलिस आया पतला सा, उसको निकाला। इसके बाद पानी लेके गई, पानी नहीं दिया। बिना पानी का मेरा भैया तड़प की इतनी सांस जोड़ दिया, गिरा ऐसा। फिर बाद में बोला कि छोड़ दिया हूँ। मैं बोली पहले क्यों नहीं बोला कि तेरे भैया को छोड़ दिया हूँ? मेरा भैया का क्या गुनाह था? क्या हम लोग मरेंगे खाए बिना? मेरा आदमी टैक्सी चलाता है, पेट भरने के लिए एक लड़के का 7 लाख रुपया लगाई, सब टूट गया एक्सीडेंट में। वही मेरा लड़का सब कर्जा से भरा था। कौन भरने वाला है? कौन देखने वाला मेरे भैया को है? हम लोग का बुढ़ापे में कौन देखेगा? कौन खिलाएगा कमा के मेरा बेटा? बताओ क्या मैं, मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? मेरा बेटा, मैं बहुत उसको सेवा की थी, अपना एक एक सामान गिरवी रख के मैं अपने बेटों को तैयार की। एक बेटा अपने बेटे को मैं तैयार की, दोनों को एक्सीडेंट हो गया, कैसे मदद करके मैं तैयार की, उसका ऑपरेशन कराई अर्थवा हॉस्पिटल में जाके, उधर भी मिल लेना। विजय की मौत पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारी मुंबई पुलिस आयुक्त से बैठक की मांग कर रहे हैं। विजय की मौत से परिवार वालों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो अब इस मामले में पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।